Hello student, welcome to your chemistry class. This is Anjana Dokra and today we will start your chapter number 2 and the name of the chapter is that elements, compounds and mixtures. Okay, so first of all आपको पता होना चाहिए what is the meaning of these terms कि elements क्या होता है, compounds क्या होते हैं, mixture क्या होते हैं. Basically they are made by substances. ये substance से मिलकर बने होते हैं but किस तरह के substance होते हैं. ओके सो सब्सटेंस बेसिकली मैटर लाइक सॉलिड लिक्विड गैसेस. ओके अब मैं यहाँ पर आपको बात कर रही हूँ दैट इट इज़ मेड बाय सब्सटेंसेस. ठीक है, सब्सटेंसेस हैं बेसिकली ये और किस तरह के सब्सटेंसेस हैं दैट आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. वन इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड अदर इज इम्प्योर सब्सटेंसेस. ओके सो दैट प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन से आते हैं लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. दीज आर pure substances and other side mixtures. These are impure substances. Mixture क्या होते हैं? These are impure substances. Okay. Further elements are divided into that metal and non-metal. And इसके अलावा that metalloid and novel gases also that type of elements. Okay. ये भी क्या है? Elements हैं. और एलिमेंट्स में क्या आते हैं? मेटल्स आती हैं, नॉन मेटल्स आती हैं, इसके अलावा मेटोलाइट्स और नोवल गैसेस आते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इज कंपाउंड दैट इज लाइक आयरन सल्फाइड. दीज आर द कंपाउंड. अब मिक्सचर क्या है लाइक उसमें टू या इससे ज़्यादा जो क्या है सब्सटेंसेस आपस में मिलकर दैट फॉर्म करते हैं एक न्यू सब्सटेंस या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस तो दैट वी कॉल मिक्सचर्स. राइट, लाइक आयरन सल्फाइड मिक्सचर. ओके एंड दिस मिक्सचर इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स दैट इज वन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड अदर इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर. एंड इसके बारे में आपको डिटेल में अभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दैट मेन डेफिनेशन रिलेटेड टू दीज टर्म्स दैट इज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. कि ये एक्चुअल में होता क्या है, किससे मिलकर बने होते हैं. सो एलिमेंट्स मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली. एक जैसे एटम से मिलकर ये बने होते हैं. कौन? एलिमेंट्स. दीज आर सब्सटेंसेस दैट मेड अप ऑफ द आइडेंटिकल एटम्स ओनली. आपको यहाँ पर जो आइडेंटिकल एटम्स को वर्ड को याद रखना है कि एलिमेंट जो है आइडेंटिकल एटम से बनते हैं. ओके एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन इन टू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज. अब ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं दैट मीन इनको क्या है, हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं टू या उससे ज़्यादा मोर सब्सटेंसेज सिमिलर सब्सटेंसेज में. ओके सो दिस इज अबाउट एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज दैट कंपाउंड एंड कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके अब यहाँ पर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, टू या और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं लाइक H2O. ओके जिसमें क्या है एच एंड ओ. तो यहाँ पे टू डिफरेंट जो है एलिमेंट्स हैं जो आपस में ज्वाइन होके क्या है एक किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की फॉर्म करते हैं. ठीक है, कंपाउंड का कंपाउंड को बनाते हैं. ठीक है, और हम मैं एलिमेंट में आपको सिंपल क्या बता रही थी लाइक वो किससे मिलकर बने होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स लाइक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मीन्स ओ. ठीक है, ओ टू. तो दैट मीन उसमें क्या है, आइडेंटिकल है, वो सिंगल एटम से मिलकर बना है, एलिमेंट है वो. ओके नाउ दैट नेक्स्ट इज दैट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मीन्स. अब ये इसमें बताया जा रहा है कि अब देखिए हमने अगर H2O वाटर है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के फॉर्मेशन से बनता है. ठीक है, अगर हम अगर सपोज हम मानते हैं और जैसे इनको क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट या हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स में, इनके अलग अलग एलिमेंट्स में कैसे कर सकते हैं, बाय द मींस ऑफ केमिकल मेथड ओनली. ठीक है, केमिकल मेथड के द्वारा ही हम इसको क्या है अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. फिजिकल मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं. लाइक फिजिकल मेथड जैसे वाटर है तो अब आपको पता है वाटर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके H2O इसका फॉर्मूला होता है. राइट, तो अब देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तो वाटर का फॉर्मूला है. अब हमें सपोज मान के चलते हैं हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है. ठीक है, तो अब हम इसको अलग कैसे करेंगे,
अगर एक गिलास से दूसरे गिलास में हम पानी को चेंज करेंगे तो उससे वो सेपरेट हो जाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. दैट मीन अगर हम यहाँ पे कोई फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसे ये सेपरेट नहीं होगा. ओके, तो इस केस में अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं सॉरी, तो अगर उनको हमें उनके एलिमेंट्स को सेपरेट करना है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल मीन. ठीक है, ये सिर्फ केमिकल मीन या केमिकल मेथड के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ मिक्सचर, एंड मिक्सचर इज मेड अप ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेज. अब मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज़्यादा मोर सब्सटेंसेज के मिलने से बनता है. ओके, एंड मिक्स इन द एनी प्रोपोर्शन सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब इसमें क्या है, लाइक इनको अगर मिक्स करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, बट कंपाउंड में प्रोपोर्शन होता है. लाइक हमने H2O, तो यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन होता है, या तो हम दो ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट टू है या टू से ज़्यादा है. ठीक है, तो दैट मीन वहाँ पर उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, H और O, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स है. और इनमें क्या होता है, जो कंपाउंड का फॉर्म होता है, तो पहले जब वो एलिमेंट सेपरेट होते हैं तब उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, लेकिन बाद में मिक्स होने के बाद उनकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, सेम नहीं रहती हैं. चेंज इन मीन की वो अलग हो जाती हैं, उनकी सेम ही रहती है. जैसे कि हम बात करें, जैसे H2O वाटर की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, H2O मीन्स, यहाँ पर कंपाउंड की बात लेते हैं एक, H2 and O. ओके, H and O, यहाँ पे टू एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब देखिए, जब ये अलग थे सेपरेट, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बर्निंग के लिए एक तरह से यूज़फुल है. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कैंडल है, एक गिलास है, ठीक है, और मैच स्टिक है. आपको क्या करना है, कैंडल को जलाना है. पहले आपको जलाना है, तो वो क्या है, कैंडल जो जलना स्टार्ट हो जाती है, बट आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो गिलास है उसको उल्टा करके रख देंगे. आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है. तो दैट मीन बर्निंग में ऑक्सीजन हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हेल्प नहीं कर रही बर्निंग में, लेकिन ऑक्सीजन कर रही है. लेकिन जब ये आपस में कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लाइक H2O वाटर बन गया, तो जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तरह से अलग हो. अब वाटर का क्या फंक्शन रह जाता है, वाटर अगर हम कहीं पे मान लो कहीं आग लगी है तो हम पानी फेंकते हैं, तो क्या आग और बढ़ जाती है या फिर बुझ जाती है? बुझ जाती है ना, तो दैट मीन वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एक तरह से चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती, आइडेंटिकल नहीं रहती है उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि अब कंपाउंड बन गया है, तो दैट मीन वो कुछ अलग प्रॉपर्टी है या फिर एक ही तरह की प्रॉपर्टी उसमें शो होगी. अब देखो, यहाँ पे पानी का काम बुझाना है, ठीक है, अगर हम कहीं पे पानी डालेंगे तो दैट मीन वहाँ पे आग लगेगी, नहीं बुझेगी, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस टर्म, दैट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. नाउ नेक्स्ट इज हियर, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेज. अब मैं आपको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपके डिस्कस करूँगी आपके साथ, लाइक सब्सटेंस एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पे पहले बताया गया है दैट कलर, ऑर्डर, नेचर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब सब्सटेंसेस जो हैं इनका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट की इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और हम उनको कैसे एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक कलर. कलर, अब देखो, कुछ जो गैसेस हैं, ठीक है, वो कलरलेस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. दीज ऑल सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेस जिनका कलर क्या होता है, कलरलेस. और कुछ जो होती हैं वो, उनका कलर जो है लाइक होता है, लाइक क्लोरीन, तो उसका जो कलर है वो ग्रीन येलोइश होता है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन. ओके, तो इससे भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है. लाइक अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज हियर, दैट इज ऑर्डर. ठीक है, तो ऑर्डर में जो ऑर्डरलेस है, ठीक है, मतलब उसकी जो हम कहें कि स्मेल है,
है, तो ऑर्डरलेस गैसेस कौन सी होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. अब जैसे हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं, सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं. तो क्या हमें उसकी एक कुछ ऑर्डर होता है, क्या हमें स्मेल से पता लग जाता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है आपको? नो. तो दैट मीन वो क्या है, ऑर्डरलेस है. ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दीज ऑल आर गैसेस जिनका जो है ऑर्डर क्या होता है, नहीं होता. दैट मीन दे आर ऑर्डरलेस गैसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट हैव ऑर्डर. अब कुछ ऐसे गैसेज होती है जिनका ऑर्डर होता है, मतलब फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस इन सेंस की स्मेल होती है, लाइक जो पंजेंट एंड चॉकिंग ऑर्डर, दैट हाइड्रोजन, क्लोराइड, क्लोरीन, अमोनियम, दीज आर सम गैसेज जिनका हम उनके स्मेल से हमें पता लग जाता है. पंजेंसी मतलब नाक में ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी, लेकिन हमें उसकी पंजेंसी स्मेल आती है, तो उस ऑर्डर से हम उसको उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेचर. अब कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस कुछ होते हैं, नॉन पॉइजनस, लाइक क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं लाइक, तो ये क्या है, पॉइजनस होती हैं. ठीक है, जहरीली होती हैं. एंड कुछ जो होती हैं वो नॉन पॉइजनस, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. ठीक है, अब ये नॉन पॉइजनस है इसीलिए तो हम इसको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं. अगर ये एक तरह से पॉइजनस होती तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. दैट मीन दीज ऑल आर गैसेज नॉन पॉइजनस. ओके, देन आफ्टर दैट डेंसिटी, यहाँ पर हम अगर बात करें, अगर कंपैरिजन करें एयर के साथ, तो जैसे अब गैसेस हैं तो लाइटर हैं, जो लाइटर लाइटर हैवियर ऑलमोस्ट एज हैवी. तो जो लाइटर गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, लाइटर गैस अमोनियम, ठीक है, इसके अलावा हैवियर देन एयर, जो एयर से हैवी है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज ऑल एग्जाम्पल्स. ओके, यू हैव टू बी रिमेंबर दीज ऑल एग्जाम्पल्स. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी गैसेज हैं कि जो जिनका वेट लाइटर होता है देन एयर, एंड कुछ ऐसी भी हैं जो हैवियर होती हैं देन एयर एंड ऑलमोस्ट एज हैवी. ठीक है, जो कि कुछ ऐसी भी हैं जो ऑलमोस्ट हैवी भी रहती हैं. ओके, सो जो ऑलमोस्ट एज हैवी हैं वो हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोराइड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अब इनकी जो कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके हम सॉल्युबिलिटी भी देखते हैं, कुछ हैं बहुत हाईली सॉल्युबल होती हैं, कुछ जो है फेयरली सॉल्युबल, मतलब थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है वाटर में, और कुछ जो है बिल्कुल स्लाइटली सॉल्युबल, बिल्कुल थोड़ी बहुत थोड़ी सी होती हैं. ओके, नाउ हाईली सॉल्युबल जो गैसेज हैं वो हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन जो है वो फेयरली सॉल्युबल गैसेज हैं. एंड इसके अलावा जो स्लाइटली सॉल्युबल है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन. ओके, देन अबाउट देयर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एडवेज अ सॉलिड जस्ट मेल्ट चेंज ओवर इट्स लिक्विड. मेल्टिंग पॉइंट नाम से ही पता लग रहा है आपको कि जिसमें जो है कोई भी सॉलिड है मेल्ट होना स्टार्ट होता है एंड दैट कन्वर्ट इन टू लिक्विड फॉर्म. एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई भी लिक्विड है जो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और दे कन्वर्ट इन टू वेपर्स. ओके, बॉयलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड देन इट कन्वर्ट इन टू वेपर्स. नाउ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का मतलब होता है, मेलेबिलिटी मीन्स कि दे कन्वर्ट लाइक मेटल्स. ओके, कि अगर आप सपोज मेटल को लेते हैं तो उस मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको पता है उसके शीट्स बन जाती हैं. ठीक है, शीट्स मीन लाइक आपने घरों में छत देखी होगी, तो कई बार वो किसकी होती है, टीन जो है होता है उसकी बनी होती है. ठीक है, तो दैट मीन वो मेलेबिलिटी है उस सब्सटेंस की, उसको मेलेबल किया गया है. और डक्टिलिटी होती है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी वायर्स बनाई जाती हैं. ठीक है, वायर्स मीन जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं. ठीक है, तो इस तरह से मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी हम एक सब्सटेंसेस का चेक कर सकते हैं. तो जो एबिलिटी टू सब्सटेंस टू हैम्बर टू शीट्स, कि जिससे शीट्स बनती हैं, तो उनको उस क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी. ठीक है, जिन सब्सटेंस से बनते हैं. ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेटल्स, मेटल्स जो हैं उनकी शीट्स बन जाती हैं. दैट मीन कि वो क्या है, उनकी मेलेबिलिटी होती है. नाउ नेक्स्ट इज हर दैट डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या है,
डक्टिलिटी मीन्स शीट्स के साथ उनकी वायर्स भी बन जाती हैं, ठीक है। तो हम जब वायर्स बना रहे हैं तो उसे कहेंगे डक्टिलिटी, और जब हम शीट्स बना रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की तो उसे कहते हैं मैलेबिलिटी। तो दैट मीन मेटल्स की जो है मैलेबिलिटी भी होती है एंड डक्टिलिटी भी होती है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट सम प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दैट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट टर्म्स बेसिक यूनिट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि टर्म एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में वैसे आपको बताया एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, तीनों जो ये सब्सटेंसेज हैं इनको मैंने आपको डिवाइड करके बताया। टू इज़ अ प्योर सब्सटेंसेज एंड वन इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंसेज। एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंसेज हैं, और जो दूसरा है मिक्सचर्स उस वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। बट यहाँ अगेन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट एलिमेंट, कि एलिमेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगेन मैं आपको ये समझाती हूँ दैट ये प्योर सब्सटेंस है मेड ऑफ द आइडेंटिकल एटम्स, ये एक एटम से ही मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। एलिमेंट जो है एक एटम के मिलने से ही, एक तरह के एटम्स के मिलने से ही बना होता है, ठीक है। एक एटम मीन्स कि एक तरह के सेम एटम से मिलकर बना होता है, और इसको क्या है ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस इट नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन विद एन नॉट विद एनी फिजिकल और नॉट विद अ केमिकल मैथड, ओके। इट इज़ मेनली क्लासीफाइड। अब जो ये एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है, इसके अलग अलग इनकी अलग अलग क्लासीफिकेशन होती है, लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉबल गैसेस। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट एलिमेंट्स, नॉट एग्जाम्पल, दीज आर, हम अगर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें तो ये कितने टर्म, एक तरह से कितने भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है, दैट पार्ट्स में हम कहें तो दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉबल गैसेस, ओके। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज एटम। अब एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मे बी वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, एटम से मिलकर बना होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम एलिमेंट को जैसे हमारी बॉडी में, सपोज मैं आपको अपनी हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रिलेट करती हूँ, लाइक हमारी बॉडी जो है किससे मिलकर, हमारी जो बेसिक एंड हमें जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी क्या है हमारी बॉडी में, सेल, ठीक है। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, कोई भी बॉडी फॉर्म होती है, ये दैट एनिमल्स में भी होता है और हम लोगों में भी होता है, दैट प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब एलिमेंट्स की बात करी तो एलिमेंट किससे बना होता है, इसकी जो एक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट एटम्स, ओके, एटम है। तो अब ये क्या है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। इट्स नॉट कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब जो ये एटम है ये डिवाइड करता है बेसिकली दैट इन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। इसके अंदर ये हम एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं कि एटम में बेसिकली होता क्या है, तो वन इसमें क्या है, वन इज़ द न्यूक्लियस एंड अदर इज़ अ ऑर्बिट। अब न्यूक्लियस कौन सा पार्ट होता है एटम का और ऑर्बिट किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप ये सेंटर में देख रहे हो जिसमें 6p और 6n लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पार्ट होता है सेंटर का जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ओके। और ये जो ऑर्बिट क्या है, पूरा एक जो चक्कर बन रहे हैं ये साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिट्स, क्लियर है। सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो उसके सराउंडिंग में जो भी है आपको सर्कल्स दिख रहे हैं दैट वी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। इज अ सेंटर ऑफ द एटम विच इज़ कंटेन। अब जो ये सेंटर है, ठीक है, दैट जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए छोटा सा एटम है लेकिन उसमें भी बहुत चीज़ें क्या है प्रेजेंट होती है, लाइक न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स, और न्यूक्लियस के बीच में भी कुछ और प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है जैसे अब यहाँ पे लिखा ना 6p, तो दैट मीन ये प्रोटॉन्स है, पी, तो प्रोटोन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, पी फॉर प्रोटोन एंड पी फॉर पॉजिटिव। तो इसमें जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस साइन यहाँ लगा देती हूँ मैं, दैट मीन ये पॉजिटिव है।
न्यूट्रॉन जो है, नाम से ही लग रहा है कि न्यूट्रॉन मीन्स ये न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ओके, बट अब नेक्स्ट क्या है, हम बात कर रहे थे ऑर्बिट की। ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये पूरा चक्कर लगा रहा होता है, तो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसे नेगेटिव से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, नेगेटिव साइन मीन्स कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। प्रोटोन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये, और न्यूट्रॉन क्या है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट दैट बेसिक यूनिट ऑफ एन दैट एलिमेंट दैट इज एटम, ठीक है। यहाँ पे मैं एटम की पूरी आपको एक डिटेल बता रही हूँ कि हम एटम्स एटम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम है क्या, उसके हम बिल्कुल पूरी एक डिटेल हिस्ट्री बता रही हूँ मैं। एटम क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम में, एटम बेसिकली न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट से मिलकर बना है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोन न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट एटम। नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट एलिमेंट मेड ऑफ द आइडेंटिकल एटम्स। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है। आप आयरन जैसे हम बात करें, ठीक है, लोहा, तो वो क्या है, आयरन के ही एटम से बना होता है, उसमें अदर एटम्स जो हैं वो एक तरह से इंक्लूड नहीं होते हैं। लाइक सल्फर भी है, ये भी एक वन टाइप ऑफ एटम से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने क्लासिफिकेशन आपको जब बताया, उसमें क्या बताया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, हम इसको एलिमेंट्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपको पहले तो एलिमेंट के बारे में जो बेसिक यूनिट दैट डेफिनेशन होती है उसके बारे में बताया, एलिमेंट किससे बनता है, एटम से बनता है उसके बारे में बताया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की, ये कितने तरह का होता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितने इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉबल गैसेस। अब जो पहला है मेटैलिक एलिमेंट्स, तो मेटैलिक एलिमेंट्स जो मतलब मेटल हैं, वो क्या है, इनका लश्य होता है, ये चमकीली होती है ये, लाइक गोल्ड। ओके, मेलेबल होती है, मेलेबल मीन्स कि अगर इनको हम इनको हैमरिंग करें, इनको पीटें, तो ये क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, शीट्स में, लाइक एलुमिनियम शीट्स। ओके, डक्टाइल होती है, मीन्स कि इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। ओके, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं ये जस्ट बता रही हूँ दैट मेटल एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, दिस इज अबाउट दैट मेटेलिक एलिमेंट। नो, नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स क्या हैं, इनकी क्या है, लस्टर्स नहीं होते, डू नॉट हैव लस्टर, चमक नहीं होती, लाइक सल्फर डज नॉट हैव शाइन। नाउ आर नॉन मेलेबल, मतलब क्या है, अगर हम इनको, कार्बन है देखिए यहाँ पर, लाइक कोयला है, तो अब क्या है, हम अगर इसको हैमरिंग करते हैं, इसको बीट करते हैं इसको, तो क्या ये कन्वर्ट होता है शीट में, नो इट्स नॉट पॉसिबल ना, तो दैट मीन क्या है, दे आर नॉन मेलेबल। ओके, और नेक्स्ट हम बात करें इसकी डक्टिलिटी की, तो नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल, कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू वायर, इनकी वायर्स भी नहीं बनते, लाइक फॉस्फोरस है, क्या इसकी वायर बन सकती है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो दे आर नॉन डक्टाइल। अदर साइड दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंडक्टिविटी, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब जैसे हम बात करें मेटल की, तो वो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एकदम से कंडक्ट कर लेते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इनमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक एलिमेंट्स एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट जो है मेटलॉइड्स, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, तो मेटलॉइड्स क्या होता है, एलिमेंट्स विच शो, अब देखो यहाँ पे हर लाइन जब स्टार्ट हो रही है तो वो एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोरोन।
अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, मेटल जैसे भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल जैसे भी बिहेव करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। और नेक्स्ट इज हियर दैट नोबल गैसेस, मतलब क्या है, दे आर अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन ट्रेस इन एयर लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। दीज आर सम गैसेज जो कि क्या अनरिएक्टिव ही, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज। एंड फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट एलिमेंट्स टर्म, बेसिक यूनिट एंड क्लासिफिकेशन।